This is how I'm doing them always. तो रिसेंटली मेरे डैड ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया एंड आई हैड टू स्टे इन अ कार एंड द चीपेस्ट एयरबीएनबी फॉर 24 आवर्स सो आई एम गोना गो विद द नेक्स्ट लॉजिकल ऑप्शन दैट इज स्टेइंग एट द मॉल फॉर 24 आवर्स एंड आई नो ये तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा है एंड ये बहुत ज्यादा इलीगल है एंड पहले हम जाके मॉल स्काउट करने वाले सो लेट्स गो. So this is Saurabh and he's like a professional hide and seek player. So he's gonna tell me all the good hiding spots and stuff. You think I'll be able to stay overnight? Half an hour after that you'll get out. I think I'll be able to stay overnight. Okay guys, I'm mall ke parking mein aa chuke hain. Saurabh thinks this is a very bad idea. Okay guys, we're just scouting the place. Anyways, after this we look for potential spaces where I can actually hide. What is this? Yeah, actually. Basement. Enter directly center. Hai na? This will be perfect. Okay guys, this is the bathroom where I might potentially be staying tonight. Now we have a lot of spaces. I mean, I have a lot of spaces since you're ditching me. I'm not gonna do illegal shit. Saurabh, just do it, bro. Max to max, we go to jail. I didn't choose this life. You chose this life. Okay, so after scouting the place for an hour or two, mera game plan finally ready tha. The best plan for me is to go for the last movie. Try to sleep there for a while, I guess. Okay, bhaiya, last ticket kab hai? Sorry. Bhulaiya 2. 10:30 to 1:30 ticket aaya. None. Payment. फ्री मिला टिकट ओह थैंक यू ओह माय गॉड गाइस वी जस्ट गॉट अ फ्री टिकट व्हाट आई थिंक या आई एम लिटरली स्नीकिंग इन मेरे को फ्री टिकट दे रहे हो गुड बाय सौरभ आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग एट द एंट्री यू आर कमिंग टू पिक मी अप आई एम गोना पिक यू अप एट 2 AM बिकॉज़ यू गेट किक्ड ऑन द रोड लेट्स होप यू डोंट मेस अप बाय. So ये मॉल का क्लोजिंग टाइम वॉज 10 PM. सो टू मेक दिस फन एंड मोर टफ फॉर मी आई मेड अप अ सेट ऑफ रूल्स एंड द रूल्स आर एज फॉलोज. रूल नंबर 1, डू नॉट गो टू जेल. रूल नंबर 2, मैं एक जगह पे मोर देन 30 मिनट्स नहीं रह सकता. रूल नंबर 3, मैं एक फ्लोर पे मोर देन 2 आवर्स नहीं रह सकता. बिफोर द मॉल शट मैंने एक मैकडॉनल्ड्स का मील लिया है. व्हेन दिस प्लेस शट्स आई एम गोना कम एंड हैव दिस मैक चिकन एट द फूड कोर्ट. आई एम गोना हैव इट गाइस, बिलीव इट. एनीवेज हम क्लोजिंग टाइम पहुंच गए थे. गाइस विश मी लक, आई एम गोइंग इन. लेट द मिशन बिगिन. तो मेरा फर्स्ट स्ट्रैटेजी था दैट आई विल ट्राई टू स्लीप एट द थिएटर सो दैट आई कैन एक्सटेंड माय स्टे टिल दे किक मी आउट. ओके, तो मेरा फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्लियरली फेल हो गया बिकॉज एक गार्ड मेरे को कंटिन्यूसली देख रहा था एंड मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया सो आई जस्ट लेफ्ट. आफ्टर दिस मैन डिसाइड किया कि मैं डायरेक्टली ऑपोजिट साइड ऑफ द मॉल पे जाऊंगा. आई एम गोना गो डायरेक्टली टुवर्ड्स दैट बाथरूम. फूड कोर्ट में लाइट्स तो खुले हैं. आई गेस आई शुड ट्राई टू ईट देयर. आई एम नॉट श्योर. नॉट राइट नाउ बट नॉट राइट नाउ. एंड मैं काफ़ी पीसफुली ससू कर रहा था अंटिल इसमें डालते रहता था. मेरा शूट था अभी इसलिए तो उससे ही आया हूँ अभी. ब्लॉग देखते हो क्या? अच्छा आपको कुछ बोलना है क्या? मैं डालता हूँ. नहीं नहीं पक्का नहीं बोलना है. तुम्हारा वीडियो सब अच्छा है. फॉलोअर्स लाइक्स करो सर को. थैंक यू. And yes, with my professional talking skills, मैंने उसे convince कर दिया था to subscribe to me, which is the dumbest thing I could do, because मैं उसको अभी video proof दे रहा हूँ. So clearly ये bathroom out of the picture था and मेरे को निकलना पड़ा as soon as possible. What have I done? I'm leaving, bro. I'm leaving. Anyways, after this, एक guard मेरे को follow करने लगा. You know, sometimes you know तुम्हारे पीछे कोई है and वो तुम्हारे पीछे है, but तुम देख नहीं सकते. No way, I can do this. I'm gonna get caught. Can I go sit in the food court and try having a meal at least? तो मैंने literally उसको avoid करके मैं food court में घुस गया. So this is the food court at night and literally lights are on. It's like 2 AM. I don't think. And you actually won't believe मैंने क्या किया वहाँ पे. मैंने literally stacked chair से एक chair निकाल के table पे बैठ गया. देखो मैंने तुम्हें बोला था कि व्हेन द प्लेस इज शट आई विल ईट मैकडॉनल्ड्स एट द फूड कोर्ट एंड यू कैन सी इट्स लिटरली एम्प्टी. आई हैव नेवर हैड अ बेटर मील इन माय लाइफ. एंड ये गार्ड लिटरली मेरे पीछे आया एंड ही लुक्ड सो कंफ्यूज्ड बिकॉज़ हु इन देयर राइट माइंड वुड डू दिस. लाइक तुम्हें इडियट होना पड़ेगा ये करने के लिए. रोंदे खड़े हो रहे इफ यू नो व्हाट दैट मींस. व्हाट इज द स्ट्रेटजी नाउ जिंजा? ओके, तो आई स्पेंट ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ईटिंग एंड एज द रूल सेज आई कांट स्टे इन वन प्लेस मोर देन 30 मिनट्स. ओके गाइस, नेक्स्ट स्टॉप बाथरूम. आई एम मूविंग. आई डिसाइडेड टू गो बैक टू द बाथरूम जहां मेरे को क्लीनर मिला था.
मशरूम After I saw that ये bathroom बंद है, मैं upper side of the mall पे गया। I hope ये bathroom locked नहीं। एंड तुम्हें पता है इवन आफ्टर ऑल दिस ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं ओवरनाइट एट अ मॉल कर रहा हूँ, कुछ तो इनकम्प्लीट लग रहा था। सो गेस व्हाट आई डिड, यस गाइस मैं साइकोपैथ हूँ। आई चेंज्ड इनटू माय पजामास। ओके गाइस, पहनावे ना पजामास। Some person entered. I don't know who the hell it was and why they entered, but they entered. Yes. Okay, so 2 hours ho chuke the, and as the rules say that I can't stay on one floor more than 2 hours. Oh shit! No. Gir mat jana. We're going down the escalator when at night. Shit. And because मैं almost गिरा और मैंने काफी आवाज की, एक guard ने मेरे को देखा और वो मेरी तरफ चलने लगा। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं सेकंड फ्लोर के वॉशरूम की तरफ जाने लगूंगा। Of course, it had to happen. The bathroom was shut. तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है? That अभी मेरे को सेकंड फ्लोर पे चलते रहना पड़ेगा and I can't stop and मेरे पास कोई भी सेफ्टी जगह नहीं है where I can go, cause all the bathrooms are shut. Do I have to find somewhere where I can sit? So मैंने decide किया कि मैं face to of the mall पे रहूँगा because I feel ये side ज़्यादा भरा रहेगा. Have someone asked? मेरे को बस देखना था mall कैसे दिखता है रात को. यहाँ पे एक स्टोर है जो खुला है, इट्स ओपन स्टोर, बट आई डोंट वांट टू एंटर बिकॉज़ यहाँ वीआर हेडसेट्स पड़े हैं. वेयर शुड आई गो? समवेयर वेयर? ओके, नॉट द राइट प्लेस. शुडंट लुक बैक आल्सो, लिटरली बहुत भरा है. आई डोंट नो, तो मैं मेरे शक्ल पे डर दिख रहा है. Oh god, I shouldn't even stand still. Yes. I think I'm going to keep moving. Okay, this is how empty the mall is right now. And you can see by this ki main bahut freely chal raha tha. I have to just avoid sound. Like any sound I heard. And literally koi bhi nahi tha ye side of the mall pe. बट जब मैं एस्केलेटर के पास पहुंचा, मेरे को थोड़े फुटस्टेप्स आए। I'm pretty sure कुछ तो आवाज़ ना आवाज़ है। I can't be roaming around like this. I have to go back to the bathroom. Someone's calling out to me. Fuck, I don't know if y'all can hear this, but I have to leave. And चलते-चलते मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। Bro, I thought पकड़ा गया बताए। When I heard that, and for to avoid more suspicion, मैंने ये एक worker से बात किया जो ladder पे था, जिसका head literally ceiling में था। कोई washroom नहीं खोला है? Washroom ये वाला नहीं खोला है, third खोला है। Third वाला। Okay, thanks. And I feel इसके बाद suspicion मेरे से थोड़ा दूर हो गया, so I went back to the third floor. Talking to people is the only way I can manage to get anywhere close to staying there overnight. And I went straight to the third floor bathroom. एंड ऑनेस्टली मैंने बाथरूम में बहुत टाइम बिताया एंड आई कुड लिटरली नॉट टॉक बिकॉज बहुत ज़्यादा गार्ड्स आ रहे थे अंदर बार बार.
they knew that I'm camping there. And मैं literally अपना आवाज कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था. And honestly बोलूँ, just to complete this challenge, मेरे को बस वो वॉशरूम में रहना था overnight. But I feel like उसमें कुछ मज़ा नहीं आता. So मैंने decide किया that instead of being a डरपोक, मैं बाहर जा रहा हूँ. मेरा लक देखो, द सेकेंड आई ट्राई टू लीव, एक गार्ड मेरे को पास करता है. एंड एट दिस मोमेंट आई न्यू कि दिस मिशन इज ओवर. देयर इज नो वे आई कैन सेव माय सेल्फ. डेफिनेटली नॉट गोना लुक बैक फॉर एनीथिंग नाउ. सो मैंने अपना वापस स्ट्रेटजी ट्राई किया जिसमें मैं किसी और से बात करूं. और पानी होगा, पानी है. एंड मैंने पानी के लिए मांगा, बिकॉज़ आई फील पानी के लिए कोई मना नहीं करता. फारूक भाई, ओ फारूक भाई, कुछ वॉटर कुछ भी नहीं लाया था इस मिशन पे. बट इस बार पता है प्रॉब्लम क्या था? द गार्ड दैट वॉज फॉलोइंग मी वेटेड, ही वेटेड आउटसाइड द फूड कोर्ट. सो आई डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस गार्ड. वॉचमैन टाइम चेक कर रहा है. बट द प्रॉब्लम वॉज, अगर मैं अपने फ्लोर चेंज कर रहा था वो लिटरली मेरे को देख पा रहा था. द ओनली थिंग आई कुड डू वाज गो डायरेक्टली टू द ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज उसके बाद वो मुझे नहीं देख पा रहा. भी देख रहा है ब्रो. आई जस्ट डोंट वांट कि मैं पकड़ा जाऊँ एंड मेरी सारी मेहनत तो वेस्ट में जाए. वो शुड आई डू, शुड आई लीव और शुड आई स्टे? फक, व्हाट एम आई सेइंग ब्रो? I'm literally dying. So मैं ग्राउंड फ्लोर गया और मेरे को एक पिलर देखा जो आई फेल्ट वॉज आउट ऑफ साइट. Let's sit at for a while. बट मैं इडियट हूँ, मेरे को पता होना चाहिए कि कैमराज है ऑल ओवर द मॉल. So I sat there for a while, but फिर दो गार्ड्स की मेरे को आवाज आई एंड एंड मैं एग्जिट की तरफ चलने लगा. सो दैट दे थिंक दैट ये अभी बंदा लीव कर रहा है. There's a problem. There's a man behind me. But then मैं रुका और मैं प्रिटेंड किया कि मैं कुछ भूल गया, जस्ट टू सी बैक. एंड वो लोग मेरे को नहीं फॉलो कर रहे थे. एंड मॉल के सेंटर में एक लॉन है, दैट्स प्रोबेबली द वन प्लेस विद मैक्सिमम सिक्योरिटी. सो आई डिसाइडेड दैट मैं वहाँ जाने वाला हूँ जो भी हो जाए. एंड जब मैं वहाँ पहुँचा तो माई सरप्राइज, वहाँ एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था. Can I settle for one? And at that moment I knew that मैं अनस्टॉपेबल था. मेरे को कोई भी इस दुनिया में रोक नहीं सकता. मैं रहूंगा इस मॉल में ओवरनाइट. मैं रुका हुआ एक्चुअली मेरे इसके लिए. हा? मैं अपने दोस्त के लिए रुका हुआ, आएगा थोड़ा टाइम में उठाने. अभी गेट पे जाइए आप. बट वो मैं कहाँ बैठू वहाँ बाहर? गेट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको चेयर है, वहाँ बैठ जाइएगा. आप ले जा सकते हो चेयर? नहीं, यहाँ से नहीं, वहाँ आप वहाँ रहेगा. ठीक है. नहीं, मेरे को लगा कि मैं जाने ही वाला था बाहर, बट फिर मेरे को दिखा कि लाइक सीट्स हैं यहाँ, तो मेरे को लगा क्या है ना, मॉल बंद हो चुका है, अभी कोई कस्टमर वगैरह कोई है नहीं. हाँ अच्छा, 5-10 मिनट भी नहीं बैठ सकता. ठीक है, ओके. हाँ हाँ, मैं ट्राई कर रहा था उसे कन्विंस करने की मेरे को और रहने देने के लिए. मॉल में रुक सकता हूँ यहाँ पे सामने, बिकॉज बारिश भी हो रहा है क्या? अच्छा ओके, एग्जिट करने मॉल. हाँ चलेगा. बट जस्ट लाइक दैट गाइस, मैंने मिशन फेल कर दिया था.
चलो गुड नाइट भैया, जाते हैं। इधर नहीं रुक सकता, अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है आप रहिएगा। ओके फक, सॉरी गाइस, ज़्यादा कॉकी नहीं होना चाहिए था ब्रो, मैं जाके बैठ गया वहाँ पे। आई मीन यू डम फूल अजी, खोल दो। गुड नाइट, मिशन फेल्ड एंड इट्स टाइम टू गो बैक होम। बट द रियल क्वेश्चन इज, हैड आई रियली फेल्ड दैट मिशन? बिकॉज समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू लिव फॉर द थ्रिल्स, द थ्रिल ऑफ नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, द थ्रिल ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल एंड नॉट गेटिंग कॉट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैड नेवर फेल्ट दिस अलाइव इन माई लाइफ बिफोर, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट दीज चीप थ्रिल्स and these motivational speeches that I keep giving in the end of the video so that you guys subscribe. And yes guys, if I'm being honest, this mission was a major success even though I got kicked out. And with all this being said, there was only one thing to do, so main ghar gaya aur maine apne dad ko beg kiya to take me back home. And guess what he said? Get out of the house, and the day you get 100k subscribers, look, then you better enter this house. So subscribe, cause I really want to go back home.